ब्लैक होल ब्रह्मांड की वो रहस्यमय पहेली है जिसके एक रहस्य पर्दा उठता है तो दूसरा नया रहस्य सामने आ जाता है। सालों से वैज्ञानिक ब्लैक होल की गुत्थी को सुलझाने में लगे हैं, लेकिन वो जितना इस गुत्थी को सुलझाते हैं वो उसमें इतना ही उलझ जाते हैं। ऐसा लगता है कि मानो ब्लैक होल अपने रहस्य के पिटारे को कभी खोलना ही नहीं चाहता। आपके मन में कभी न कभी ये सवाल जरूर आया होगा कि ब्लैक होल के अंदर क्या होता है। साल 2014 में एक मूवी आई थी इंटरस्टेलर, जिसमें फिल्म के क्लाइमेक्स में एक सीन है जिसमें फिल्म का मेन कैरेक्टर कूपर ब्लैक होल में गिरता है। शुरुआत में तो कूपर के सामने सब कुछ काला होता है और वो अचानक उन पर 5-डायमेंशनल टेस्ट में पहुंच जाता है, जहां पर वो समय के फिजिकल रूप को देखता है। वो अपने बीते हुए कल को देख पा रहा था और ग्रेविटी के द्वारा अपने पास्ट में कम्युनिकेट करता है। ये वास्तव में एक दिमाग हिले देने वाला कॉन्सेप्ट था, लेकिन ये कॉन्सेप्ट कुछ सवालों को जन्म देता है कि क्या वास्तव में ब्लैक होल के अंदर ऐसा ही कुछ होता है। क्या होगा अगर आप एक ब्लैक होल में गिर जाओ? हम ब्लैक होल को जाने उससे पहले हमारा स्पेस को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य तो खुद स्पेस ही है। आपको क्या लगता है कि स्पेस कोई खाली जगह है? वास्तव में ऐसा नहीं है। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। आपने जादूगर का खेल तो देखा ही होगा कि कैसे एक जादूगर नए नए करतब दिखाकर लोगों को हैरान कर देता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वो जादूगर इतने हैरान कर देने वाले करतब कैसे दिखा पाता है? क्या है उसकी जादू का रहस्य? वास्तव में देखा जाए तो जादूगर की जादू का रहस्य उस स्टेज में छिपा है जिस पर वो खड़ा है। जादूगर उस स्टेज पर अपना मायाजाल बिखेरता है और आपको एंटरटेन करता है। आप बोल सकते हो कि जादूगर की स्टेज एक रंगमंच की तरह है जिस पर जादूगर अपनी चीजों को बिखेर देता है और उन्हें देखकर लोग हैरान होते रहते हैं। वास्तव में हमारा ब्रह्मांड भी एक जादूगर है और स्पेस जादूगर की स्टेज की तरह एक रहस्यनुमा मंच है जिस पर ब्रह्मांड रूपी जादूगर अपनी चीजों को फैलाकर नए नए करतब दिखाता है। जिस तरह बिना स्टेज के जादूगर अधूरा है, उसी तरह बिना स्पेस के ब्रह्मांड भी अधूरा है। ब्रह्मांड इसी स्पेस में गैलेक्सीज, ब्लैक होल्स, स्टार्स और प्लैनेट्स इत्यादि को फैलाकर अपने करतब दिखा रहा है। स्पेस रूपी रंगमंच इतना लचीला है कि इसको आप ट्विस्ट कर सकते हो, मोड़ सकते हो, खींच सकते हो, दबा सकते हो। स्पेस को आप अपने मन मुताबिक ढाल सकते हो, लेकिन स्पेस को मोड़ पाना इतना आसान नहीं है। स्पेस को मोड़ने के लिए हमें बहुत ज्यादा ताकत की जरूरत पड़ेगी, लेकिन ब्रह्मांड रूपी जादूगर के पास स्पेस को मोड़ने के बहुत सारे पैंतरे हैं। ब्रह्मांड चाहे तो स्पेस को अपने मन मुताबिक मोड़ सकता है, क्योंकि ब्रह्मांड रूपी जादूगर के पास एक बहुत बड़ी ताकत है, ग्रेविटी की। ग्रेविटी की शक्ति से ब्रह्मांड रूपी जादूगर स्पेस को चाहे जितना मोड़ सकता है। ब्रह्मांड के पास अलग अलग ग्रेविटी के पिंड मौजूद हैं, जैसे कि प्लैनेट्स, स्टार और ब्लैक होल इत्यादि। इन पिंडों को ब्रह्मांड स्पेस रूपी रंगमंच पर फैलाकर अपने करतब दिखाता है। जिस पिंड के पास जितनी ज्यादा ग्रेविटी की शक्ति होगी, वो स्पेस को इतना ज्यादा मोड़ सकता है और उतना बड़ा करतब दिखा सकता है। और इस जादूगर के पास ब्लैक होल रूपी पिंड सबसे ज्यादा हैरान करने वाले हैं, क्योंकि ब्लैक होल के पास इतने ज्यादा ग्रेविटी की शक्ति है कि वो इस स्पेस को फाड़ कर तहस नहस कर देता है। ब्लैक होल इतना शक्तिशाली होता है कि ये समय तक को रोक देता है। जी हाँ, आपने सही सुना, समय भी ब्लैक होल के अधीन है। क्या आपने ये सोचने की कोशिश की है कि ब्लैक होल के पास ये शक्ति आखिर कहाँ से आई कि इसने स्पेस और टाइम दोनों को ही अपना गुलाम बना लिया? तो इसके लिए आपको ब्लैक होल के जीवन चक्र को समझना होगा। वास्तव में ब्लैक होल ग्रेविटी की शक्ति को पाने के लिए अपने जन्म से पहले ही लड़ाई लड़ना शुरू कर देता है। आपको ये तो पता होगा कि ब्लैक होल कुछ और नहीं बल्कि एक मरा हुआ तारा होता है। एक तारे के अंदर दो तरह की शक्तियाँ काम करती हैं, जो रस्साकसी के खेल की तरह तारे के साथ खेलती रहती हैं। अगर आपने रस्साकसी का खेल देखा होगा तो उसमें जो टीम शक्तिशाली होता है वो दूसरी टीम को पछाड़ देता है। सेम इसी तरह से एक तारे के अंदर खेल चल रहा होता है जिसमें दो शक्तियाँ अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ती रहती हैं। पहली शक्ति होती है ग्रेविटी की, वो तारे को दबाकर कोर के अंदर समेटने की कोशिश करती है, और दूसरी शक्ति होती है न्यूक्लियर फ्यूजन की, जो तारे को बाहर धकेलती है और उसे एक्सप्लोड करने की कोशिश करती है। ये दोनों शक्तियाँ तारे का जन्म होता है तब से लेकर तारे की मौत तक अपनी वर्चस्व की लड़ाई लड़ती रहती है। लेकिन समय के साथ जब तारा बूढ़ा हो जाता है तब उसके अंदर का फ्यूल खत्म हो जाता है, जिस वजह से न्यूक्लियर फ्यूजन की शक्ति कमजोर पड़ने लगती है और ग्रेविटी हावी होने लगती है। जैसे ही ग्रेविटी का प्रभाव बढ़ता है वैसे ही तारा अंदर की ओर कोलैप्स कर जाता है और तारा ग्रेविटी को संभाल नहीं पाता, जिससे सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है। तारा अपना दम तोड़ देता है, लेकिन सुपरनोवा एक्सप्लोजन के बाद पीछे रह जाती है हाई डेंसिटी की ठंडी स्टेलर कोर, जिस तारे का द्रव्यमान हमारे सूरज से 8 से 10 गुना ज्यादा होता है।
वो तारा मरने के बाद एक ब्लैक होल बनता है, लेकिन एक एवरेज स्टार मरने के बाद एक व्हाइट ड्वार्फ या न्यूट्रॉन स्टार बन जाता है, और हमारा सूर्य मरने के बाद एक व्हाइट ड्वार्फ में तब्दील हो जाएगा। एक ब्लैक होल की ग्रेविटी कितनी शक्तिशाली होती है कि इसका अंदाजा आप इस चीज से लगा सकते हो कि अगर हमारी धरती को कंप्रेस करके पृथ्वी के सारे मैटर को एक कंचे जितनी गोली के अंदर भर दिया जाए तो हमारी पृथ्वी एक ब्लैक होल बन जाएगी, लेकिन उसकी ग्रेविटी उतनी ही रहेगी जितने की अभी की पृथ्वी की है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि सिर्फ एक कंचे जितना छोटा ब्लैक होल ही हमारी पृथ्वी के बराबर ग्रेविटी की शक्ति रखता है। तो एक बार सोच कर देखिए कि हमारी पृथ्वी जितनी बड़े ब्लैक होल की ग्रेविटी कितनी होगी, और अगर कोई ब्लैक होल हमारे सूरज जितना बड़ा हुआ तो उसकी ग्रेविटी कितनी होगी। आपको बता दूं कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी की सेंटर में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है जिसे वैज्ञानिकों ने सेजिटेरियन ए नाम दिया है। इस ब्लैक होल का मास हमारे सूर्य जितना बड़े 40 लाख सूर्यों से भी ज्यादा है, और इसका आकार इतना बड़ा है कि अगर इसे सूर्य और पृथ्वी के बीच रखा जाए तो ये पूरी दूरी को ही कवर कर ले। आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि इतने भारी भरकम ब्लैक होल के पास कितनी तीव्र ग्रेविटी की शक्ति होगी। ये ब्लैक होल इतना शक्तिशाली है कि इसके चारों ओर हमारी पूरी गैलेक्सी की तारे चक्कर लगा रहे हैं, हमारा सूर्य भी। आपको बता दूं कि इस ब्रह्मांड में सेजिटेरियस ए सुपर मैसिव ब्लैक होल से भी कई गुना बड़े ब्लैक होल्स मौजूद हैं, जो सच में आपको हैरान कर देंगे। वैज्ञानिकों ने ब्लैक होल्स के चार प्रकार बताए हैं, मिनिएचर, स्टेलर, इंटरमीडिएट और सुपर मैसिव। मिनिएचर सबसे छोटे ब्लैक होल होते हैं जिनका आकार एक एटम के जितना होता है, लेकिन इनका द्रव्यमान एक बड़ी सी पहाड़ी के बराबर होता है। मिनिएचर से बड़े होते हैं स्टेलर ब्लैक होल जिनका द्रव्यमान हमारे सूरज से 10 से 20 गुना ज्यादा होता है, और ब्रह्मांड में इस तरह के ब्लैक होल्स बहुत ज्यादा संख्या में मौजूद हैं। इसके बाद आते हैं इंटरमीडिएट ब्लैक होल्स जिनका आकार स्टेलर ब्लैक होल से ज्यादा होता है। ऐसा माना जाता है कि जब एक से ज्यादा स्टेलर ब्लैक होल्स आपस में मर्ज होते हैं तब इंटरमीडिएट ब्लैक होल बनते हैं। और इसके बाद आते हैं सुपर मैसिव ब्लैक होल्स जो सबसे बड़े होते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार ये सुपर मैसिव ब्लैक होल्स हर एक बड़ी गैलेक्सी के केंद्र में होते हैं। साल 2019 में वैज्ञानिकों ने इसी तरह के ब्लैक होल की पहली तस्वीर ली थी। ये सुपर मैसिव ब्लैक होल्स आखिर बनते कैसे हैं ये कोई नहीं जानता, वैज्ञानिक इनके बारे में केवल अंदाजा ही लगा सकते हैं। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि ये सुपर मैसिव ब्लैक होल तब बने होंगे जब गैलेक्सीज की निर्माण हुआ होगा। ब्लैक होल ब्रह्मांड के उतना रहस्यमय पिंड है कि इसके बारे में हमें ज्यादा कुछ पता नहीं है, क्योंकि ब्लैक होल को तो देखा ही नहीं जा सकता। किसी भी चीज को तब देखा जा सकता है जब वो लाइट को रिफ्लेक्ट करे, लेकिन ब्लैक होल की ग्रेविटी इतनी शक्तिशाली होती है कि ये स्पेस को इस तरह से मोड़ती है कि ब्रह्मांड की सबसे तेज चलने वाली चीज लाइट भी उसमें फंस कर रह जाती है। मतलब ब्लैक होल इतना शक्तिशाली होता है कि ये प्रकाश को भी निगल जाता है। जब ये प्रकाश को छोड़ेगा ही नहीं, भला इसे देखा कैसे जा सकता है? तो आप सोच रहे होंगे कि जब इसे देखा नहीं जा सकता तो वैज्ञानिकों ने इसकी फोटो कैसे ले ली। तो आपको बता दूं कि ब्लैक होल की एक बाउंड्री होती है जिसे इवेंट होराइजन बोला जाता है, जिसे आप पॉइंट ऑफ नो रिटर्न भी बोल सकते हो। अगर कोई चीज इस इवेंट होराइजन को पार करती है तो हमेशा के लिए ब्लैक होल के अंदर समा जाएगी, वो कभी वापस नहीं लौट सकती। तो असल ब्लैक होल इस इवेंट होराइजन के बाद है, और वैज्ञानिकों ने जो तस्वीर ली है वो इस इवेंट होराइजन की है, ना कि ब्लैक होल की। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि जब ब्लैक होल को देखा नहीं जा सकता तो वैज्ञानिक ब्रह्मांड में ब्लैक होल्स को कैसे खोज लेते हैं? तो इसका जवाब है कि ब्लैक होल को खोजने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो ये कि अपने आसपास के मैटर पर किस तरह का प्रभाव डालता है। जैसे कि ब्लैक होल के संपर्क में कोई मैटर आता है, जैसे कि कोई स्टार या प्लेनेट, तो ब्लैक होल उसे इस तरह से अपनी ओर खींचता है कि उसका सारा मैटर ब्लैक होल के चारों ओर फैल जाता है। मैटर की ब्लैक होल के चारों ओर एक डिस्क बन जाती है जिसे ब्लैक होल खाता रहता है। इस डिस्क को वैज्ञानिकों ने एक्रीशन डिस्क का नाम दिया। जैसे जैसे तारे का मलबा और गैस इस एक्रीशन डिस्क में घूमता रहता है, वैसे वैसे उसकी हीट बढ़ने लगती है। ये डिस्क इतनी गर्म हो जाती है कि एक्सरे को रिलीज करने लगती है, और इस एक्सरे लाइट को वैज्ञानिक पृथ्वी पर लगे उपकरणों से डिटेक्ट करते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि वहाँ कोई ब्लैक होल है। और इसी जानकारी से वैज्ञानिक ये भी पता लगा लेते हैं कि वो ब्लैक होल कितना बड़ा होगा। लेकिन आपको बता दूं कि हर एक ब्लैक होल के पास ये एक्रीशन डिस्क नहीं होती। जिन ब्लैक होल के पास ये डिस्क नहीं होती, ऐसे ब्लैक होल्स को खोज पाना बड़ा मुश्किल होता है। वैज्ञानिक ऐसे ब्लैक होल्स को केवल प्रकाश के कर्वेचर से ही खोज पाते हैं। जैसे कि मान लो कि पृथ्वी से बहुत दूर ये एक तारा है जिसका प्रकाश पृथ्वी पर एक सीधी रेखा में आ रहा है। अगर ये प्रकाश कर्व होकर पृथ्वी तक पहुंचता है तो इसका मतलब ये कि प्रकाश के रास्ते में कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है
जो प्रकाश को इतनी भारी मात्रा में बैंड कर रहा है। हालांकि इस जगह पर कोई बहुत बड़ा सा तारा हो तो उसकी ग्रेविटी से भी प्रकाश बैंड हो सकता है, लेकिन अगर ये कोई तारा होता तो वो पृथ्वी से दिखाई देता। अब हमें ये दिखाई नहीं दे रहा है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कोई ब्लैक होल है जिसकी ग्रेविटी आसपास के प्रकाश पर अपना असर डाल रही है, और ऐसे वैज्ञानिक पता लगा लेते हैं कि वहाँ पर कोई ब्लैक होल हो सकता है। लेकिन इस तरह के ब्लैक होल्स को खोजना एक तरह से अंधेरे में सुई को खोजने जैसा है। अगर आपको टाइम ट्रेवल का कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है तो आपको बता दूं कि ब्रह्मांड में ब्लैक होल नेचुरल टाइम मशीन की तरह है। अगर आप किसी तरह ब्लैक होल के इवेंट होराइजन पर पहुंच जाते हो तो आप देखोगे कि आपके चारों ओर का समय बहुत तेजी से गुजर रहा है, लेकिन आपके लिए समय की गति बहुत धीमी हो गई है। वैसे आपको बता दूं कि 20वीं सदी तक कोई जानता भी नहीं है कि ब्लैक होल जैसी कोई चीज भी इस ब्रह्मांड में होगी। जब साल 1915 में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी तो उन्होंने इसमें बताया कि ब्रह्मांड में ग्रेविटी समय को बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। किसी ऑब्जेक्ट की जितनी ज्यादा ग्रेविटी होगी उस ऑब्जेक्ट के पास समय उतना ही ज्यादा धीमा हो जाएगा। इसे ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन बोला जाता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इमेजिन किया कि स्पेस में जिस ऑब्जेक्ट की जितनी ज्यादा ग्रेविटी होगी वो स्पेस को उतना ही ज्यादा कर्व करेगा, जिससे समय भी स्ट्रेच हो जाएगा और धीमा हो जाएगा, और इस कर्वेचर की वजह से प्रकाश भी उसमें बैंड हो जाएगा। अल्बर्ट आइंस्टाइन की इक्वेशन भी बता रही थी कि ब्रह्मांड में कोई ऑब्जेक्ट ऐसा भी होगा जिसकी ग्रेविटी इतनी ज्यादा होगी कि वो स्पेस को सिंगुलरिटी तक बैंड कर दे, इतना बैंड कि उससे बाहर लाइट भी ना जा सके और उस सिंगुलरिटी पर समय ठहर जाए। आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी तो दी थी, लेकिन उनको ये ब्लैक होल का कॉन्सेप्ट बड़ा अजीब सा लगता था, क्योंकि थ्योरी में तो ऐसा संभव है लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा असंभव सा लगता है। आइंस्टाइन का देहांत हो गया, लेकिन उन्हें कभी ये नहीं पता चल पाया कि ब्लैक होल वास्तव में एग्जिस्ट करते हैं। साल 1971 में थ्योरी रियलिटी में बदल गई। साल 1971 में पहली बार वैज्ञानिकों ने एक ब्लैक होल को खोज निकाला और आइंस्टाइन की इमेजिनेशन सच हो गई। और साल 2019 में हम ब्लैक होल की पहली तस्वीर को भी देख लिया, जो एक साबित करती है कि ब्लैक होल की कोई कल्पना नहीं बल्कि हकीकत है। जिस सिंगुलरिटी की अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कल्पना की थी वो वास्तव में ब्लैक होल के केंद्र में मौजूद है, जो स्पेस और टाइम दोनों को ही भारी मात्रा में प्रभावित कर रही है। ब्लैक होल अंतरिक्ष का वो महादानव है जिसकी भूख कभी शांत नहीं होती। ये अपने संपर्क में आने वाली हर एक चीज को खा जाता है, और ये जितना मैटर खाता है ये उतना बड़ा और शक्तिशाली होता जाता है। एक ब्लैक होल पूरी गैलेक्सी को खाने का दमखम रखता है, लेकिन फिर भी ये हमारे लिए एक रहस्यमयी पहेली है। तो दोस्तों, अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।